नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी वो संस्कृत के असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी जो क्लास सिक्स की है। और इसमें क्योंकि असेसमेंट आपका एक तरह से टेस्ट होता है ना, तो आप जो है पहले आंसर खुद करेंगे, फिर अपने आंसर देख सकते हैं कितने आपके आंसर सही हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं और पहले आपको आंसर खुद बताना है। ओके, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपको चित्र देख कर संस्कृत में फलों के नाम बताने हैं। तो अब आप देखिए जो है ये कौन सी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। ठीक है, हिंदी में अंगूर कहते हैं, आपको संस्कृत में बताना है कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं। आप बताइए, कदली फलम, द्राक्षा फलम, अंजीरम। मैंने आपको अच्छे से वर्कशीट भी समझाई थी और वो वर्कशीट नंबर जो फलों के नाम से रिलेटेड है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वर्कशीट नंबर जो है वो आपकी है 8 नंबर। ठीक है, 8 वर्कशीट है, आप उसे देख लेना। ठीक है, सारे फलों के नाम मैंने इसमें अच्छे समझाए हैं। अब उसके बाद आपको बताना है इसका नाम क्या है। हिंदी में आप अनार कहते हैं, आपको संस्कृत में बताना है डाड़ीमम कहते हैं, अमृत फलम कहते हैं, अनारम कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या होगा। तो अनार को बच्चों आंसर होगा इसका होगा डाड़ीमम। क्या होगा ये स्टूडेंट्स, डाड़ीमम। नेक्स्ट है आपका, आपको इसका नाम बताना है। हिंदी में इसको लीची कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको अब इसको संस्कृत में बताना है। तो आपके पास ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर, द्राक्षा फलम कहते हैं, लीची का कहते हैं या लीची कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आप फटाफट गैस कीजिए, फटाफट क्या कहते हैं संस्कृत में। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने लीची का बोला है उनका आंसर सही है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको बताना है कि ये जो केले हैं ना, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, केला फलम, कदली फलम या अमृत फलम। वेरी गुड, जिन बच्चों को ये पता है कदली फलम बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, आपको इसका नाम बताना है कि इसका जो है नाम क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि इसको हम हिंदी में अनानास कहते हैं, तो आपको इसको संस्कृत में बताना है क्या बोलते हैं। अनानासम, वृत्त करकटी, आद्रालू या कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब 3 ही ऑप्शन है। तो जो बच्चे अनानासम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, क्या करना है नेक्स्ट। अब हम इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब हमने जब नेक्स्ट क्लिक करा तो हमारा ये ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और यहाँ पर ये जो यहाँ लिखा ना चूज़, आप इस पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहे हैं आपको, कुजंती, पीबंती और रचयंती। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, जल्दी बताइए। वनम, वनम वृक्षा जो है ना, जो वनम वनम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपने संस्कृत का लेसन भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। वनम वनम डैश वृक्षा, क्या आएगा आंसर जल्दी से बताइए इसमें। कुजंती आएगा, पीबंती आएगा या रचयंती आएगा, कि जो वन होते हैं ना वो क्या करते हैं वृक्षों को, क्या करते हैं मतलब जो रचयंते हैं, क्या करते हैं रचयंते हैं या रहते हैं। ठीक है, आप फटाफट बताइए क्या। तो रचयंती आएगा, क्या आएगा। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी जो वृक्ष होते हैं वो वनों को क्या करते हैं, रचते हैं मतलब बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, रचयंती। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। डैश पवनम जलम संततम, तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसका आंसर बताइए। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है ना, जो पवनम है मतलब हवा, जलम मतलब जल, संततम मतलब लगातार। ठीक है, तो क्या होता है, देखते हैं, बहते हैं या पिबंती। तो पिबंती आएगा, जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष जो होता है वो लगातार, ठीक है, हवा को जल को पीते रहते हैं, पीते रहते हैं ना बच्चों, तभी तो बड़े होते हैं वो। आगे देखिए, नेक्स्ट है डैश पादे पतालम चा, अब आपको यहाँ पर बताना है यहाँ क्या आएगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। इधर का स्पर्शंती, चलंती या वहंती, तो पहले इसका मतलब बताता हूँ और आप अपना ट्राई भी कर सकते हैं। देखो, पादे मतलब है पैर, ठीक है, पातालम मतलब जमीन के अंदर। तो यहाँ पर जो पेड़ है ना, उसकी जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर होती हैं, तो वो क्या करती हैं जमीन के अंदर, क्या करती हैं पाताल को, क्या करती हैं, छूती है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन दे रखे थे ना,
स्पशंती, चलंती, वहंती, तो आप क्या बताएंगे? स्पशंती बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट है नभ शिरस्सु डैश वृक्षा। तो पहले आप इसका मीनिंग सोचो, उसके बाद आप ऑप्शन दे रखे, खादंती आएगा, वहंती आएगा, नमंती आएगा। तो अब आप इसका आंसर सोचो फटाफट जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर सोचो, फिर मैं हिंदी बताता हूँ। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ। ये जो वृक्ष है ना, है ना, नभ मतलब आकाश, ठीक है, शिरस्सु मतलब सिर पर, ठीक है। क्या करते हैं ये जितने भी सारे पेड़ होते हैं, ये आकाश मतलब जो आसमान है, ठीक है, उसको जो है क्या करते हैं बताओ? खाते हैं, ठीक है, बहते हैं, ठीक है, मतलब वहंती, सॉरी वहंती मतलब ढोते हैं, मतलब ऊपर जो सामान रखते हैं ना उसको बोलते हैं, और नमंती नमस्कार करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? वहंती, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें नेक्स्ट पर फ्लिक करना है, आओ अगले बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का पेज ओपन हो गया, तो अब आपको यहाँ पर बताना है जो कोची टट है। देखो ये वर्कशीट नंबर आपकी 11 है, मैंने 1 से लेकर 11 तक की सारी वर्कशीट बना रखी है, और जल्दी 12 की भी बना दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारी वर्कशीट आराम से देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, या आप आराम से चैनल में जाकर ढूंढ लें, नहीं तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पर है कोची टट डैश गए थे, ये कह रहे जो कोची टट है ना वो डैश चीज़ के लिए जाना जाता है। तो आप बताइए जो कोची का जो टट है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, बताओ, विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार के लिए, नारियल केल फल भी, मतलब नारियल के फल के लिए, तो यहाँ दो ही ऑप्शन है। अच्छा तीसरा भी है, विदेशी पर्यटक के भी, मतलब विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए उसके लिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बताइए? नारिकेल फले भी, ठीक है। तो इसका आंसर ये था, ठीक है, जिसका सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है भारत देश डैश इति कथते। तो पहले आप इसको सोचो इसका मतलब क्या है, उसके बाद आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका मतलब बताता हूँ, जो भारत देश है, ठीक है, डैश कहा जाता है, इति मतलब इसी कारण, तो इसी कारण भारत देश को डैश कहा जाता है, पता है? यह जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत है ना वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसे क्या बोलते हैं? मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, बताओ, सागर तट, प्रायद्वीप या अरब सागर? वेरी गुड, प्रायद्वीप, ठीक है, जिन्होंने प्रायद्वीप बोला, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है त्राणाम सागरणाम संगमा डैश भवती। ये कह रहा है जो तीनों सागरों का जो संगम है ना उस पर डैश है। तो आप बता सकते हैं कि तीनों सागरों के जो संगम में कौन है, ठीक है, बताओ, जहाँ पर तीनों सागरों का संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, आप पहले गैस कर लें, कोची तटे, कन्याकुमारी तटे या विशाखापट्टनम तटे। मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आपको ये नहीं आते ना तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है, पहले आप जो है ना इसके आंसर जो है अच्छे से करें, सुन ले मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कन्याकुमारी तट है, ठीक है, सुन मेरी अच्छे से बख्श पहले समझें, फिर फायदा ही क्या होगा, ठीक है। आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए अपन कितना अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। भारत से पश्चिम दिशाया डैश अस्ति, बताइए कि भारत जो देश है ना उसकी पश्चिम दिशा में कौन है, ठीक है, बताओ कौन है पश्चिम दिशा में? आपके पास ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि भारत की पश्चिम दिशा में कौन है, आप यहाँ देखिए आराम से, देखिए यहाँ पे हिंद महासागर लिखा है, ठीक है, और बंगोप सागर लिखा है और अरब सागर लिखा है। तो इसका आंसर क्या है? अरब सागर, ठीक है, तो जिन्होंने अरब सागर बोला उनका बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट है विशाखापट्टनम तट डैश प्रसिद्ध है। ये कह रहा है विशाखा जो पट्टनम है ना वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आप बताएं फटाफट सोचें, ठीक है, आपको ऑप्शन देता हूँ, बताओ, विदेशी व्यापार आय के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, नारिकेल फलेभे के लिए, नारियल के फल के लिए, या विदेशी पर्यटक के अभे के लिए, मतलब विदेशी जो लोग भारत में आते हैं ना घूमने के लिए उनके लिए, किसके लिए फेमस है जल्दी बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका है यहाँ पर जो लोग ना विदेशी व्यापार के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये वर्कशीट नंबर 11 में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और जो आपकी बुक है ना पार्ट संस्कृत की उसमें पार्ट 6 है ये, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए जब हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा तो अब हमारे सामने कुछ जो है शब्द अर्थ आ गए हैं, ठीक है। तो जो भी हमने वर्कशीट करी है ना अभी तक 11, उन सब का मिक्सअप है। आपसे पूछ रहे विहगा का मतलब क्या होता है,
आपको यहाँ तीन दे रखे हैं, वृक्ष मतलब होता है पक्षीगण होता है या तपस्वी जना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ बड़े से आम और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, तो बहुवचन है ना, तो पक्षीगण हो गए। ठीक है, इसका आंसर पक्षीगण था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आसीना शब्द का सही अर्थ बताना है आपको, आसीन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आसीना मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना आपको चैप्टर नंबर 5 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताना आसीना का मतलब क्या होता है, आसीना मतलब आप पहले सोच लें फिर बताएं ना। ठीक है, तो इसका आंसर है बैठे हुए। ओके, तो ये भी आपको चैप्टर 5 में मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ना है आपको चैप्टर, ऐसे मत करना जल्दबाजी। उसके बाद जो है मत्स्य जीवना, आपको मतलब इसका बताना है मत्स्य जीवना का मतलब क्या होता है, मछली होता है, शिकारी होता है, मछुआरे होता है। देखिए अगर आपने चैप्टर 6 पढ़ा है और मैंने आपको एक एक वर्कशीट अच्छे से कराई है तो आप इसका आंसर ईजिली बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मत्स्य जीवना का, मछुआरे। ओके, वेरी गुड, जिन्होंने बता रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, और मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कितने सही निकले आपके। सैनिकों, देखो जब ओ औ आ गया ना, ठीक है, तो ये कौन सी कौन सा वचन हुआ, तो मैंने आपको वर्कशीट 10 करवाई थी ना, तो वर्कशीट 10 में मैंने आपको अच्छे से एक चीज़ समझाई थी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या होता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, द्विवचन। क्या, द्विवचन। ठीक है, और बहुवचन पूछा है राम देशो या सेवका, देखो यहाँ राम के बाद सिर्फ विसर्ग लग गया तो ये एक वचन है, और यहाँ पे औ की मात्रा आ गई तो ये कौन सा है, द्विवचन है। ठीक है, और यहाँ पर बड़े ऐसे आम के बाद इसमें जुड़ा हुआ है ना डंडा और विसर्ग लग गया तो ये बहुवचन है। ठीक है, तो हमने सारी की सारी वर्कशीट कर ली। अच्छा, एक रह गया और, ये कह रहा के लिए, तो ये भी आपको वर्कशीट 10 में ही मिलेगा, अच्छे से करना। जब के लिए आ जाता है तो आ बड़े से आम और ये लगाना पड़ता है। ठीक है, एक वचन के लिए, तो पर्यटन के लिए पर्यटन आए। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से देखो हमने पूरा कर लिया, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, फिर आपको पता लग जाएगा बच्चों, उसके बाद आप अपने आंसर देख लेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है, तो आपको पता भी लग गया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।